हेलो फ्रेंड्स जय हिंद स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे दोस्तों सीआईएस में आठ में 836 पदों का नोटिफिकेशन जनवरी में रिलीज हुआ और दोस्तों 20 फरवरी इस फॉर्म की आखिरी डेट है इसमें वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने सीआईएसएफ में रेगुलर पांच साल की सर्विस पूरी कर ली है कॉन्स्टेबल या हेड कॉन्स्टेबल की रैंक पे अभी फिलहाल वो है तो वो इसमें एलिजिबल है तो दोस्तों ऐसे में आपका जो पेपर है दोस्तों मई के महीने में होने की संभावना है तो आज की बात करने वाले हैं कि जो मैथ है जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसकी आप तैयारी कैसे करेंगे सिलेबस कैसे होता है किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बेस्ट बुक कैन कौन सी अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं और किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है ताकि इस बार आप एस आई एल डी सी बने और जो कॉन्स्टेबल से एस आई एल डी सी का जो सफर होता है नॉर्मली पंद्रह से बीस साल का उसको सीधा ही आप स्किप uh, करते हुए डायरेक्ट ए बन सकते हैं तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए दोस्तों हम आपके लिए पराक्रम बैच लेके आए हैं जिसकी फीस मात्र ग्यारह सौ रुपए है इसमें आपको मैथ रीजनिंग और इंग्लिश की डेली 20 से 25 मिनट की क्लास मिलेगी जिसमें हम वोकअप करवाएंगे डेली बेसिस पे मैथ और रीजनिंग का डेडिकेटेड बैच है यानी कंप्लीट मैथ और कंप्लीट रीजनिंग आपको उससे मिलेगा इंग्लिश इसमें एडिशनल दे रहे हैं जिसमें आपको वोकअप का पार्ट में करवाने वाला हूं साथ ही साथ दोस्तों जो स्टैटिक टॉपिक है स्टैटिक जीके के ज, जो सामान्य ज्ञान में जैसे जैन धर्म है बौद्ध धर्म है महत्वपूर्ण लोक नृत्य है दर्रे हैं झील है, है मरुस्थल यानी जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछाते हैं जैसे राष्ट्रपति है, पोलिटी में मौलिक अधिकार है यहां से क्वेश्चन बनेगा बनेगा संसद है तो संसद संबंधित जितने क्वेश्चन होंगे एक ही वीडियो में आपको करवा दिए जाएंगे तो इसको बोला जाता है स्टैटिक जीके तो स्टैटिक जीके की क्लास भी हम आपको इसमें देंगे ठीक है तो फीस कितनी है इसकी ग्यारह सौ रुपए है तो अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो हमारी एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है नीचे या आप प्ले स्टोर से जाके भी सर्च कर सकते हो होम ट्यूशन रजिस्टर करेंगे रजिस्टर करने के टाइम पे आपको अपनी डिटेल भरनी होती है उसके बाद आप लॉग इन करेंगे तो लॉग इन कैसे करेंगे जो आपने यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट किया है रजिस्टर करते वही आपको उसमें डालना होता है और उसके बाद आप लॉग इन हो जाएंगे जब लॉग इन होंगे तो सामने ही पेड कोर्स का सेक्शन दिखेगा उस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे बैच आपको मिलेंगे उसमें आपको पराक्रम बैच सर्च करना है और आप उसको बाइन आउट कर लीजिए कल से यानी बीस फरवरी से इसकी रेगुलर क्लासेज आपकी शुरू हो जाएंगी क्लियर है चलिए ये हमने वीडियो आपको दे दी है कि कैसे आप तीन महीने में तीन महीने का टाइम इसलिए लिया है क्योंकि मार्च अप्रैल मई में आपका पेपर हो जाएगा हंड्रेड परसेंट तो तीन महीने की बढ़िया तैयारी कैसे आपको टाइम को मैनेज करना है क्या क्या किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है क्योंकि कई बार दिमाग में होता है कि इंग्लिश को कितना घंटा पढ़ना चाहिए कैसे पढ़े वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा या चैनल पर आपको मिल जाएगी तो आप उसको देख सकते हो आइए बात करते हैं मैथ की तो अगर मैथ की बात करें दोस्तों तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इंपोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जिनसे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं आप जानते हैं कि आपके पेपर में 50 क्वेश्चन आने वाले मैथ से सबसे बड़ी बात यह है कि साढ़े तीन घंटे का टाइम आपको पेपर को सोल्व करने के लिए मिलेगा 200 नंबरों का पेपर होगा 200 ही क्वेश्चन मिलेंगे मैथ रीजनिंग जीके और इंग्लिश से साढ़े तीन घंटे मिल रहे हैं इसका मतलब क्या है कि इसमें आपसे स्पीड नहीं मांगी पेपर में आपसे एक्यूरेसी मांगी है कि आप सवाल को अच्छे से पढ़िए अच्छे से सोल्व कीजिए और सही आंसर को टिक कीजिए ठीक है दोस्तों तो यहां पर अगर मैथ की बात करें तो इंपोर्टेंट टॉपिक्स भी और जिनका वेटेज जाता रहता है वो भी सबसे पहले अगर आप परसेंटेज प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट एस आई कुल मिला के दोस्तों ये पांच टॉपिक है और अगर आप इन पांच टॉपिक को अगर आपने परसेंटेज बहुत अच्छे से कर लिया ना तो प्रॉफिट लॉस दोस्तों परसेंटेज का छोटा भाई है यानी इस फैमिली का जो मुखिया है वो परसेंटेज है अगर परसेंटेज अच्छे से किया तो आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में भी, भी कोई दिक्कत नहीं होगी आधे से ज्यादा यानी सेवनटी से एट्टी परसेंट जो एस आई सी आई है वो प्रतिशत ही है अगर स्पेशल सवालों को छोड़ दें तो बाकी परसेंटेज ये ये डिस्काउंट डिस्काउंट में भी क्या होता है? होता है है प्रतिशत भैया तो अगर आपने ये पांच टॉपिक अच्छे से कर लिए और इनका मुख्य कौन है परसेंटेज परसेंटेज को अगर अच्छे से कर लिया तो आगे के टॉपिक आसान हो जाते हैं और आप यकीन मान के चले कि आपका जो पेपर होगा उसमें कम से कम दस से पंद्रह सवाल आपको अकेले इन्हीं टॉपिक से मिल जाएंगे पांच टॉपिक से इसके बाद जो दूसरा परिवार आता है वो आता है जी टाइम एंड वर्क टाइम स्पीड डिस्टेंस बोट एंड स्टीम इसी में आपको पाइप एंड सिस्टम नल व होज का सवाल मिल जाएगा कार्य और मजदूरी का सवाल मिल जाएगा आप देख रहे हो आपने दिए होंगे पिछले बार के आपने पेपर देखे होंगे अगर नहीं दिए हैं आप उसमें देखिए उसमें समय और कार्य का क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा और कोई एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा कम से कम तीन से चार क्वेश्चन अकेले टाइम एंड वर्क से मिलेंगे ठीक है इसमें रेल संबंधित सवाल भी आते हैं आधा सवाल आपको बोट एंड स्ट्रीम इसका मतलब यह है कि अगर आपने परसेंटेज फैमिली और टाइम एंड वर्क को अच्छे से कर लिया तो आप पेपर में दोस्तों कम से कम पंद्रह यानी तेईस सत्रह से तेईस सवाल आराम से कर सकते हो कहने का मतलब यह है कि अगर आपने ये टॉपिक कर लिए खाली तो आप पेपर में 20 से 22 सवाल बिना किसी दिक्कत के कर दोगे तो 50 परसेंट के आसपास तो वेटेज इन्हीं का रहता है मैं अपने से नहीं करा आप 2020 का पेपर देखिए 21 का पेपर देखिए 22 का पेपर देखिए और उनको एनालिसिस करिए कि आप परसेंटेज से कितने क्वेश्चन थे या इस फैमिली से टोटल पांच से कितने क्वेश्चन थे और उसके बाद इनको देखना कम से कम बाईस से तेईस सवाल आपको मिल जाएंगे ठीक है तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो मैथ में और केवल ये टॉपिक कर लेते हो तब भी आप 20 से 22 साल आराम से कर लोगे ठीक है आइए आगे देखते हैं अगले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारे नंबर सिस्टम फ्रैक्शन नंबर सिस्टम का ही पार्ट है फ्रैक्शन नंबर सिस्टम में बहुत सारे टॉपिक आते हैं यूनिट डिजिट है नंबर ऑफ जीरोज है रिमाइंडर थ्योरम है लास्ट टू डिजिट है सुकेर है क्यूब है ठीक है उनसे संबंधित सवाल हैं बहुत सारी फ्रैक्शन आती है बहुत सारी इक्वेशन आते हैं बहुत सारे फॉर्मुलाज बेस्ड सवाल आते हैं भाजकता का नियम आता है बिनो को छोटी बड़ी करके दिखाइए इनमें सबसे छोटी बिन, कौन सी सबसे बड़ी बिन तो बहुत सारे प्रकार के सवाल आपको अकेले नंबर सिस्टम में ठीक है आपको मिल जाते हैं इसके बाद एलसीएम एच मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आप कोई भी पेपर देख लीजिए एस आई का कम से कम दो और ज्यादा ज्यादा तीन सवाल आपको डेफिनेटली मिलते हैं इसके बाद सर्ट सेंडाइसिस करने से सवाल मिलेंगे और इसके बाद आता है आपका सरलीकरण तो आप ये मान के चले कि ये जो पांच टॉपिक में दिखा रहा हूं आपको इनमें टाइम ज्यादा लगता है आपको पढ़ने में नंबर सिस्टम ही अकेला अगर आप डिटेल से पढ़ोगे तो कम से कम पंद्रह से बीस सवाल तो पंद्रह से बीस क्लास तो आ, 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 अकेले नंबर सिस्टम की हो जाती है ठीक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लेकिन हम जो हमारा ये बैच है उसमें बहुत बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाएंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड होगा और ये टॉपिक मतलब कंप्लीट बढ़िया तरीके से पढ़ा रखा है अभी पढ़ाएंगे है ना बहुत सारी वीओडी क्लास हमने दे रखे हैं प्रीवियस कोर्सेज की तो आप उनको देख सकते हो मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है कैसे मैं पढ़ाता हूं बाकी ये जो हमारा पराक्रम बैच रहेगा बिल्कुल लाइव बैच रहेगा ठीक है, है? लाइव बैच है बीस तारीख से इसकी रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएंगी आप अपने टाइम पे आप लाइव देख सकते हो नहीं देख सकते तो उनको रिकॉर्ड फॉर्मेट में बार बार जितनी बार चाहो देख सकते हो ठीक है इसके अलावा आप इन टॉपिक्स को पढ़ते हो तो ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा तो आप इन टॉपिक्स से जो ये नंबर सिस्टम वाली फैमिली है इसका जो मुख्य है नंबर सिस्टम है इससे भी कम से कम दोस्तों दस से पंद्रह सवाल आपको मिलते हैं पेपर में अकेले एलसीएम एच से ही दो तीन सवाल मिल जाते हैं तो मान के चले कम से कम दस और मैक्सिमम पंद्रह सवाल आपको इनसे मिलते हैं कहने का मतलब दस सवाल यहां से दस सवाल यहां से और लगभग सात से आठ सवाल यहां पे तो कितने हो गए लगभग तीस से पैंतीस सवाल तीस से पैंतीस सवाल आपको इन्हीं टॉपिक से मिल जाते हैं फिर आती है आपकी चौथी फैमिली रेशन प्रपोर्सन एवरेज और एलिगेशन तो एवरेज एक ऐसा टॉपिक है आपको कम से कम दो से तीन सवाल मिलेंगे रेशियो से भी एक से दो सवाल मिल जाता है और एलिगेशन और मिक्सर ठीक है कि किसी अमल और छार के मिश्रण में इतना अनुपात है इतना अनुपात मिलाया जाएगा तो कैसा बनेगा ना एलिगेशन किसी वस्तु को दस रुपए में खरीदा पंद्रह की एक और दूसरी को खरीदा दोनों को मिला के पंद्रह के भाव में बेचा तो कितना लाभ यहाँ होगा तो वो एलिगेशन है तो ये टॉपिक की अगर बात करें तो इससे भी एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन मिल जाते हैं तो कुल मिला के यहां से चार से पांच क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं पेपर में इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं आपके पेपर में एडवांस नहीं आने वाला है कोई कहे कि टेक्नोमेट्री आएगा नहीं ऐसा कुछ नहीं आएगा खाली mensuration आएगा mensuration के बाद एक और टॉपिक होता है डी डाटा इंटरप्रेशन जिसमें बहुत सारी समीकरण होते हैं उनके आधार पर आपको सवाल को सोल्व करना पड़ता है तो उससे भी चार से पांच सवाल आपको मिलते हैं इसके अलावा जो टॉपिक है इससे आपको दो से तीन क्वेश्चन मिल जाते हैं तो मैं आपको यह कह रहा हूं कि अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो और खाली ये दो फैमिली और साथ में ये कवर कर लेते हो आपके पास तीन महीने का टाइम है तीन महीने में अगर इन टॉपिक्स को क्लियर कर देते हो ना ये तो आप मान के चलिए तीस से पैंतीस साल तो वैसे हो जाएंगे खुद के दम पे अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो उस समय की बात कर रहा हूं अगर आप हमारे कोर्स में आते हो तो हर टॉपिक बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा रखा है प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से करवा रखी है ठीक है मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये एलसीएम की हमारी सीट है ठीक है और इसमें एक सवाल है कितने सवाल हैं एक सवाल मैं करवा रहा हूं खाली एलसीएम एच के और इसमें वो सवाल नहीं कि रद्दी सवाल हैं ये देखिए एसएससी सीजीएल के सवाल हमने दिए हुए हैं ठीक है बहुत बढ़िया लेवल के सवाल हैं ये देख सकते हो कितने अच्छे अच्छे सवाल है ठीक है तो ये आपको मैं अपने कोर्स में कराऊंगा ग्यारह सौ रुपए आपकी फीस है मेहनत करवाऊंगा तो पैसा भी लूंगा ठीक है उसमें आप ग्यारह सौ रुपए को मत देखिए कंटेंट देखना उसकी क्वालिटी देखना और अगर आपको समझ में आ रहा है तो फिर वो कोर्स चाहे एक रुपए का हो चाहे वो एक लाख रुपए का हो आपका उसमें सिलेक्शन होना तय होना चाहिए कि हाँ यहां से पढ़ के मैं सिलेक्शन ले सकता हूं अच्छा स्कोर कर सकता हूं वो चीज इंपॉर्टेंट होती है ठीक है तो यहां पे देख सकते हो सवाल हमारे मतलब ये शुरू के सवाल है बहुत अच्छे से सवाल है पूरी सी टेक्स इकहत्तर तो सवाल हर लेवल का हर प्रकार का सवाल हमने लिया हुआ है तो आप इस बैच में आएंगे तो रीजनिंग में भी और मैथ में भी बढ़िया बढ़िया सवाल आपको करवाए जाएंगे ठीक है तो मैं कह रहा हूं कि बहुत अच्छे से हम आपको पढ़ा रहे हैं इन टॉपिक्स को तो मान के चलिए कि अगर आप हमारे कोर्स में आते हो और अच्छे से पढ़ते हो अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो और क्लास के साथ साथ खुद के बेस पर प्रैक्टिस कर लेते हो तो पैंतालीस प्लस स्कोर करने से कोई रोक नहीं सकता है पैंतालीस प्लस और अगर आप थोड़े बहुत मैथ में थोड़े से वीक हो तो तब भी बीस बाईस सवाल के आसपास पहुंच जाओगे क्यों ये उन जवानों के लिए कहना चाहूंगा कि बहुत वीक है आप ठीक है जी मैथ का थोड़ा बहुत ही ज्ञान है तब भी आप अगर इन टॉपिक्स को कर लेते हो थोड़ा बहुत सुकेर है मल्टीप्लीकेशन है ठीक है इन संख्याओं में क्या जोड़ें कि वर्गमूल बन जाए वर्ग बन जाए तो वो सवाल भी अगर आप कर लोगे तब भी बीस से बाईस के आसपास पहुंच जाओगे ठीक है और जो जो एवरेज है थोड़ा समझने में इच्छा है और समझ जाता है सवालों को जल्दी तो उनके लिए तो भैया 40-45 स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है अब बात कर लेते हैं बेस्ट बुक्स की अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उस समय की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि अगर आप कोर्स में आ रहे हो तो कोर्स में हम पीडीएफ खुद ही दे रहे हैं आप उन सवालों की प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आपके पास बुक नहीं है और लेना चाहते हो कि सर कोई किताब बता दीजिए तो मेरे हिसाब से किरण की जो बुक है ये बेस्ट है क्यों क्योंकि इसमें कोई भी टॉपिक जैसे मान लीजिए परसेंटेज है टाइप वाइज सवाल दे रखे टाइप फर्स्ट के बिल्कुल सवाल फिर थोड़े अलग टाइप के फिर अलग टाइप अलग टाइप अन्य किताबों में क्या है कि एक सवाल आपको किसी टाइप का मिल रहा है दूसरा सवाल किसी टाइप का मिल रहा है ठीक है तो वो फिर कंफ्यूजन पैदा करता है ठीक से प्रैक्टिस नहीं हो पाती इसमें क्या होगा कि टाइप ए है मान लीजिए 20 सवाल है तो एक ही प्रकार के 20 सवाल करोगे

<coughs> इसमें क्या है कि टॉपिक वाइज सवाल है और टाइप वाइज है टाइप दे रखिए वो सवाल चाहे उन्नीस सौ निन्यानवे में आया हो चाहे दो हजार सत्रह अठारह में आए हो वो सारे संकलन है एक ही टाइप में ये जो किताब है इसमें क्या है कि भैया उन्नीस सौ निन्यानवे का जो मैथ का पेपर ले लिया मान लीजिए सीजीएल का तो उस सीजीएल में जो भी सवाल आए हैं जिस भी टॉपिक से वो एक साथ अरेंज कर दिए फिर उन्नीस सौ दो हजार फिर दो हजार एक फिर दो हजार दो तो इसमें क्या है ईयर वाइज सवालों को संकलित किया गया है इसमें टाइप नहीं है ईयर टू ईयर है इससे बढ़िया किताब यह है अगर आप सी एस एफ एस एल डी तैयारी करने में आसानी होगी और आपको यह भी फील होगा कि हाँ यार मैंने टाइप कर ली है इस टाइप का सवाल मैं कर लूंगा फिर दूसरे टाइप भी कर लूंगा तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आपका डेवलप होता है तो तो अगर आप किताब लेने की सोच रहे हैं तो लीजिए अगर आप हमारे कोर्स में आ रहे हैं तो कोई किताब लेने की आवश्यकता नहीं है आइए बात करते हैं कैसे करेंगे सबसे पहले कितना टाइम दें ठीक है तो मैथ को हम टाइम कितना दें भैया तो मैं आपको उस दिन भी बता रखा था कि अगर आप मान लीजिए डेली छह से सात घंटे भी निकाल पा रहे हो तो कम से कम दो घंटे आपको दो से ढाई घंटे आपको मैथ को देने चाहिए इसमें क्या करते हैं दोस्तों कि एक घंटा वन आवर ज्यादा नहीं वन आवर क्लास लीजिए ठीक है या आप कंसेप्ट पढ़िए कोई भी आप टाइप पढ़ रहे हो तो भैया टाइप का कंसेप्ट तो आना चाहिए नहीं कैसे इन सवालों को सोल्व करेंगे अगर आप कंसेप्ट खुद से कर पा रहे हो बहुत अच्छी बात है नहीं है तो कोर्स में आ रहे हो तो कोर्स में से कोई टाइप करवाई मैंने तो पहले एक घंटे तो क्लास लीजिए अगले घंटे क्या करना है प्रैक्टिस करनी है जो आपको क्लास में करवाया है वो प्रैक्टिस करनी है बस इसके अलावा कुछ नहीं करना ठीक है दूसरा क्या है कि जैसे मान लीजिए हमारा टॉपिक परसेंटेज खत्म हो गया मैंने परसेंटेज करवाया और परसेंटेज मान लीजिए आज खत्म हो गया जी तो आज तो आप प्रैक्टिस करेंगे परसेंटेज की कल मान लीजिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं जी प्रॉफिट लॉस ठीक है जी कोई बात नहीं तो कल जब मैं प्रॉफिट लॉस सवाल मतलब स्टार्ट कर रहा हूं तो आप ये करेंगे कि जो परसेंटेज आपने किया है उसकी पहली टाइप के कम से कम दो सवाल करें फिर अगले दिन फिर दो सवाल करें फिर दो सवाल करें फिर दूसरी टाइप के दो सवाल करें यानी कहने का मतलब है कि आप आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन पीछे का रिवीजन भी बहुत ज्यादा आवश्यक है नए सवाल आप पांच कर लीजिए नए टॉपिक के लेकिन पुराने सवाल पुराने टॉपिक के भी पांच सवाल करना इंपॉर्टेंट है ठीक है सिक्सटी परसेंट अगर आप सौ परसेंट दे रहे हो तो साठ परसेंट तो आपको केवल रिवीजन को देना है भैया तभी आप कामयाब हो पाओगे और चालीस परसेंट आगे बढ़ते रहिए ठीक है तो अगर आप इस तरीके से बढ़ते हो कि भैया जैसे मान लीजिए परसेंटेज खत्म हुआ प्रॉफिट लॉस आप कर रहे हो तो प्रॉफिट लॉस भी करिए लेकिन साथ ही साथ जो आपने परसेंटेज कर लिया उसके दो सवाल भी करिए अब मान लीजिए प्रॉफिट लॉस भी खत्म हो गया आप पहुंच गए साधारण ब्याज पे ठीक है आपने क्लास देखी है साधारण ब्याज की कोई बड़ी बात नहीं लेकिन आप परसेंटेज के दो सवाल प्रॉफिट लॉस के दो सवाल कुल मिला के चार सवाल पांच सवाल आप पिछले टॉपिक के करते रहिए क्यों क्योंकि इससे टॉपिक के टच में रहेंगे और वो चीजें आपको याद रहेंगी नहीं तो होगा क्या कि हम परसेंटेज स्टार्ट करके टाइम एंड वर्क पे पहुंचेंगे तब तक परसेंटेज आपका भूल भुलैया हो जाएगा आधे टाइप आएंगी आधे टाइप नहीं आएंगे इससे अच्छा है कि आप टाइम वर्क पे पहुंच रहे हो तब भी एक से दो सवाल परसेंटेज से जरूर कीजिए जो भी आपको रूटीन आपने बनाया टॉपिक वाइज करने का

और एक घंटे की क्लास लेके जो आपने क्लास में सीखा जो टाइप आपको क्लियर करवाई है उससे संबंधित सवालों को कर लीजिए इससे बेस्ट कोई रामबाण नहीं है ठीक है और अगर आप इसको फॉलो करते हैं डेली बेसिस पे और जब आपका एग्जाम नजदीक होगा तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक से डेढ़ महीने की छुट्टी भी लेंगे तो उस छुट्टियों में आपको थोड़ा टाइम ज्यादा लेना है तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि भैया दो घंटे दो घंटे प्रैक्टिस कीजिए और एक से डेढ़ घंटे क्लास कीजिए साथ ही साथ एक डेढ़ की जो टाइम रहेगा एग्जाम एक एक रहे एक तो एक का जो डर है वो खत्म हो जाएगा दूसरा आपको ये भी पता लगेगा कि किस टॉपिक से कौन सा सवाल मैं नहीं कर पा रहा हूं तो उनका आप बाद में रिविजन भी कर पाएंगे ठीक है दोस्तों मैं कह रहा हूं कि जब एग्जाम नजदीक आएगा तो आप छुट्टी लेंगे लेंगे कम से कम एक महीने की तो लेनी पड़ेगी बढ़िया तैयारी करनी है क्योंकि टाइम उसमें ज्यादा देना पड़ेगा अभी आप जब नौकरी पे हैं ड्यूटी पे हैं तो टाइम टाइम को थोड़ा एडजस्ट कीजिए अगर आपको लगातार ढाई घंटे मिल रहे हैं मान लीजिए रेस्ट के दोपहर में तो खाली मैथ पढ़ लीजिए रात को दो घंटे मिल रहे हैं इंग्लिश पढ़ लीजिए सुबह एक घंटा मिल रहा है तो जीके पढ़ लीजिए कभी एक घंटा फिर मिल गया मान लीजिए टाइम निकालते हुए तो आप उसमें फिर जीके पढ़ लीजिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट क्या रहेगा आपके लिए एक तो मैथ रहेगा तो मैथ का मैंने बता दिया है और कल एक और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें इंग्लिश आपको बताएंगे इंग्लिश में बेस्ट बुक क्या है कैसे आपको तैयारी करनी है ठीक है तो अगर आप डीसी की बढ़िया तैयारी करना चाहते हैं तो आइए पराक्रम बैच में ठीक है कोई बहुत ज्यादा फीस नहीं है और कंटेंट बहुत अच्छा दे रहा हूं ठीक है तो अप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है डाउनलोड करिए रजिस्टर कीजिए लॉग इन कीजिए पेड़ कोर्स में जाके जाकर बैच को ज्वाइन कर लीजिए बीस तारीख से इसकी क्लासेज रेगुलर शुरू हो जाएंगी बहुत सारी क्लासेज हमने डाली हुई है बहुत सारी क्लास प्रीवियस बैचेज की है तो आप उनको देखिए समझने की कोशिश कीजिए और फिर हम नया कंटेंट आपको दे रहे हैं दोस्तों ठीक है और वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो गर करें। करें। को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद जय हिंद